दोस्तों, एक YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए एक यूट्यूबर दिन रात मेहनत करता है और दिन रात की काफ़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे एक टाइम आता है जब चैनल ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब चैनल ग्रो होना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और धीरे धीरे चैनल ग्रो होते होते उस स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि जहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे का, वो कंप्लीट हो जाता है। जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो और ज़्यादा खुशी होती है एक यूट्यूबर को, क्योंकि उसको लगता है कि अब तक जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी मेहनत कामयाब हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है और कुछ दिनों के अंदर उसका मोनेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। जब मोनेटाइजेशन चालू होता है और डॉलर का साइन दिखने लग जाता है उसके YT स्टूडियो में, तो वो दिन जो होता है वो सबसे खुशी का दिन होता है एक यूट्यूबर के लिए। उसको लगता है कि अब तक मैंने स्टार्टिंग से अब तक जो मैंने मेहनत की थी वो उसमें मैं कामयाब हो गया। और इतनी मेहनत करने के बाद जब थोड़ी थोड़ी इनकम होने लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, नए यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है कि कुछ छोटी सी गलती की वजह से उनका जो मोनेटाइजेशन है वो या तो डीमोनेटाइज हो जाता है या फिर चैनल ब्लॉक हो जाता है। और जब ऐसा किसी के साथ होता है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उनको लगता है कि, और सबको लगना भी चाहिए, सबको लगेगा कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो मैंने मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही दोस्तों एक चैनल के बारे में हम बात करने वाले आज, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। करीब साल भर में उन्होंने धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो किया और क्राइटेरिया को पूरा किया। पूरा करने के बाद मोनेटाइजेशन को अप्लाई किया। मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, उनकी थोड़ी बहुत इनकम भी होने लगी, कुछ डॉलर जो है पर डे बनने लगे। लेकिन अचानक से उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, उस छोटी सी गलती की वजह से उनका जो मोनेटाइजेशन है वो ख़त्म कर दिया गया, डिसेबल हो गया, या यूँ कह सकते हैं उनका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया। तो दोस्तों इसी चैनल के बारे में मैं अभी आपको चैनल दिखाऊंगा और इसके बारे में बात करेंगे। इनके साथ दोस्तों हुआ क्या था कि जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इन्होंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, इनकी जो है इनकम थोड़ी बहुत होने लगी थी, काफ़ी खुश थे। अचानक से एक दिन क्या होता है कि इनकी व्हाट्सएप पे जो है कोई वीडियो भेजता है जो कि शॉर्ट वीडियो थी, और उस वीडियो को इन्होंने देखा, बहुत अच्छी लगी, तो इनको समझ नहीं आया, बस इनको लगा चलो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा है तो इसको मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ एज ए शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो में उन्होंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। शॉर्ट वीडियो में उन्होंने उसको पोस्ट किया और इत्तेफाक से वो वीडियो वायरल हो गई और एक ही दिन में उनके काफ़ी व्यू आ गए, मतलब मिलियन में व्यू आ गए उनके उस वीडियो से। उनको बड़ी खुशी हुई कि मतलब बिना मैंने तो मेहनत भी नहीं की, बस अचानक से मेरे पास एक वीडियो आई और मैंने डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, वीडियो वायरल हो गई। मिलियन में बता रहा हूँ दोस्तों, मिलियन में उस वीडियो पे व्यू आए 24 घंटे के अंदर। और जब मिलियन में व्यू आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, तो उस वीडियो से उनको सब्सक्राइबर भी मिले। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि 48 आवर्स के बाद, वीडियो अपलोड करने के 48 आवर्स के बाद उनको एक मेल आता है। चलिए अब मैं मेल पे आपको ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि जो मेल आया था उनका, उस मेल में आखिर क्या कहा जा रहा था। देखिए यहाँ पे उनका मेल खुला हुआ है और मेल का जो टाइटल है वो ये है, ये देखिए, योर चैनल इज़ नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज, लर्न हाउ टू रीअप्लाई। दोस्तों ये मेल आने के बाद, और उनकी जगह कोई भी होता दोस्तों, आप हो या मैं हूँ, कोई भी यूट्यूबर होगा, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है कि 24 घंटे पहले क्या था, 48 घंटे पहले क्या था, कितना खुश था, लेकिन अभी मुझे ऐसा मेल आया है और इनका YT स्टूडियो के अंदर मोनेटाइजेशन जो है वो बंद कर दिया गया था इसी मेल के जस्ट बाद। देखिए दोस्तों इस मेल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनके चैनल का नाम है, चैनल के नाम के बाद यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए रिसेंट रिव्यू आवर टीम ऑफ पॉलिसी स्पेशलिस्ट केयरफुली लुक्ड ओवर द वीडियो यू हैव अपलोडेड। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, हमारी जो स्पेशलिस्ट टीम है, उन्होंने आपकी वीडियो का रिव्यू किया है जो अभी आपने रिसेंटली अपलोड किया था अपने चैनल पर। चैनल का नाम है, वी फाउंड दैट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर चैनल इज नॉट इन लाइन विद आवर YouTube पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो वीडियो अपलोड की है उसका कुछ जो पार्ट है, या पूरी वीडियो कह सकते हैं, वो हमारी जो, हमारे जो टर्म एंड कंडीशन है, हमारी जो पार्टनर YouTube पार्टनर प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है, अगेंस्ट है कहीं ना कहीं। एज ऑफ टुडे योर चैनल इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज एंड यू विल नॉट हैव एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल एंड फीचर
तो आज से अभी से आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, और जो मोनेटाइजेशन के टूल आपको मिलते हैं फीचर ऑन ऑफ करने के, मोनेटाइजेशन का जो साइन दिखाई देता है वो आपको बंद कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ गो टू योर मोनेटाइजेशन पेज टू रीड मोर अबाउट स्पेसिफिक पॉलिसी एंड स्पेशलिस्ट फ्लैग। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप मोनेटाइजेशन पेज पे जा सकते हैं और वहाँ पे इनका जो टर्म एंड कंडीशन है, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कई पॉलिसीज हैं ऐसी जिसकी वजह से चैनल पे इस तरह की दिक्कत आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। वी नो दिस इज़ ए टफ न्यूज़, हमें पता है कि आपके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। एंड समटाइम्स वी हैव टू मेक डिफ़िकल्ट डिसीजन, और कई बार हमें इस तरह के डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द कम्युनिटी इज सेफ और फॉर क्रिएटर, तो हमें ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है अपने क्रिएटर के लिए, वीवर्स और एडवर्टाइजर के लिए भी। एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड दैट यू मे हैव अनइंटेंशनली मेड मिस्टेक, और इसी टाइम हमको ये भी एहसास है, हम ये समझते हैं कि आपने ये जो गलती की है वो अनजाने में की है, ये वो मानते हैं, ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि ये गलती जो है वो गलती से हुई है आपसे, उसके बावजूद भी उन्होंने डिसीजन ये लिया है क्योंकि उनका एक टर्म एंड कंडीशन है, उनकी कुछ पॉलिसीज हैं। दैट्स वाई यू विल बी एबल टू री अप्लाई फॉर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इन 30 डेज। तो ये जो दोस्तों लाइन थी ना, ये थोड़ी सी उनके लिए खुशी की खबर थी कि चलो परमानेंटली तो डिजेबल नहीं हुआ है मेरा जो चैनल है वो, मात्र रीयूज कंटेंट की वजह से, किसी और का कंटेंट जो मेरे व्हाट्सएप पे आया था, कोई वीडियो थी कहीं ना कहीं से, वो डाउनलोड ज़रूर होगी, वो ओरिजिनल वीडियो किसी और की थी, उसको मैंने चैनल पर डाला था। तो 30 डेज के लिए इस चैनल पर मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है, 30 दिन के बाद मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दिस 30 डेज टाइम पीरियड अलाउ यू टू मेक चेंज टू योर चैनल टू मेक श्योर इट्स लाइन विद आवर पॉलिसी, और ये जो 30 दिन का समय दिया है, इस 30 दिन में जितनी भी गलतियाँ इसके जैसी या ऐसी हैं उसको आप सुधार भी सकते हैं। आपका जो मोनेटाइजेशन है वो बंद किया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपके चैनल पर ऑन है, सब चीज़ें को एक्सेस आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, वट दिस मीन फॉर योर चैनल, यू विल कंटिन्यू टू हैव एक्सेस द मोस्ट क्रिएटर फीचर ऑन योर यूट्यूब दैट इनेबल टू योर ग्रो योर चैनल ऑडियंस बिल्ड योर कम्युनिटी एंड मैनेज योर वीडियो यू कैन। तो मतलब कहने का मतलब, सिर्फ मोनेटाइजेशन बंद किया गया 30 दिन के लिए, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, सारे काम आप कर सकते हैं, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड रिस्पॉन्स, मॉडरेट योर चैनल कमेंट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल जो है 30 डेज के लिए मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया। दोस्तों जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि आपने वीडियो जो अपलोड की है जिसकी वजह से ये मेल आपको आया है, समझ लीजिए कि आपका रीयूज कंटेंट की वजह से ऐसा हुआ है, रीयूज कंटेंट आपने यूज़ किया है। अगर वाकई में आपने मिस्टेक की है, आपसे गलती हुई है, रीयूज कंटेंट यूज़ किया है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा जो मैंने इनको दिया था, और 30 दिन के बाद इनका मोनेटाइजेशन जो है वो दोबारा से इनको रीअप्लाई का बटन मिल गया था, इन्होंने रीअप्लाई किया था एंड विद इन 48 आवर्स इनका मोनेटाइजेशन दोबारा से चालू हो गया था। तो करना क्या, आपको जो रीयूज कंटेंट जिस वीडियो की वजह से ये मेल आपको आया है, आप उसको डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद अपने चैनल पर काम करते रहिए, 30 दिन तक काम करते रहिए। आपको कैसा कंटेंट यूज़ करना है, किस तरह के कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, अपना रियल कंटेंट यूज़ कीजिए, किसी और का कंटेंट कभी यूज़ मत कीजिए। ऐसा चांस रखिए ही मत कि कॉपीराइट आए या रीयूज कंटेंट की कहीं बात आए, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इस चैनल पे हमने क्या किया था कि उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर दिया था, डिलीट करने के बाद 30 दिन तक हम कंटिन्यू काम करते रहे थे, वीडियो अपलोड करते रहे थे, और 30 दिन के बाद मुझे लगता है 31वें या 32वें दिन जो है रीअप्लाई का बटन मिल गया था। रीअप्लाई का बटन मिलने के बाद रीअप्लाई कर दिया गया था और विद इन 48 आवर्स दोबारा से मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया था। तो ये जो मेल आया था रीयूज कंटेंट की वजह से था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल भी ब्लॉक हो सकता है, मोनेटाइजेशन भी ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ 30 डेज की बात थी, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका चैनल 6 महीने के लिए जो है मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया जाए या परमानेंटली बंद कर दिया जाए। तो ध्यान रहे कि आप बार बार ऐसी गलती ना करें, और कोई भी वीडियो डालते हैं तो ध्यान रहे कि वो रीयूज कंटेंट ना हो बिल्कुल भी।